तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप 12वीं पास हो गए हैं तो आपको मिलेंगे 4000 रुपये। दोस्तों आपको कैसे मिलेंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए, आपको इस छात्रवृत्ति पाने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स से आपको पास होना चाहिए और मैक्सिमम तो कितना भी हो। तो दोस्तों अगर आप भी छात्र हैं या छात्राएं हैं, आप में हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको भी 4000 रुपये का छात्रवृत्ति लेना है तो आपको आवेदन करना पड़ेगा, आपको दस्तावेज क्या लगेगा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप छात्र या छात्राएं हैं, 12वीं पास हो चुके हैं, तो आपको कैसे मिलेंगे 4000 रुपये का छात्रवृत्ति। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस योजना के माध्यम से राज्य के मेधावी छात्र जो वित्तीय स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, अपनी आगे की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने पर आपको प्रति वर्ष 4000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं, आपको हर साल 4000 रुपये का छात्रवृत्ति शुल्क मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कौन से बोर्ड, यानी देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE ICSE बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कार्य किया जाएगा। आप इस सहायता राशि का उपयोग सरकारी मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, निजी क्षेत्र में पहचाने जाने वाले सभी मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो छात्रवृत्ति का नाम दिया गया है, प्रतिभा किरण योजना पात्रता और मानदंड दे सकते हैं, यानी जो नाम है छात्रवृत्ति का, प्रतिभा किरण योजना। तो देखिए दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं पात्रता, जो हम बता दिए हैं कि 60% मार्क आपका होना ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसमें भी पात्रता है, केवल शहरी क्षेत्रों के छात्र ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लिया जा सकता है। और केवल देखिए यहाँ पर है, केवल मध्य प्रदेश के 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को उच्च अंकों से उत्तीर्ण होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आपको लाभ लेना है, 4000 रुपया छात्रवृत्ति आपको लेना है, तो आप मध्य प्रदेश स्टेट का छात्र या छात्राएं होना आपको ज़रूरी है, तो ही आपको लाभ दिया जाएगा, अन्य स्टेट के लिए नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके सत्र 2019-20 में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 60% से अधिक अंक होना अनिवार्य है, यानी मिनिमम तो आपको 60% अंक होना ही चाहिए और मैक्सिमम तो आप कितना भी हो आपका। और यहाँ पर देख सकते हैं, केवल BPL श्रेणी के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये पात्रता हो गई जो हम आपको बताए हैं। अब आपको बताते हैं कि दस्तावेज क्या लगेगी। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, समग्र ID, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की अंक पत्र यानी मार्कशीट, कॉलेज विश्वविद्यालय से प्रवेश प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए लगेंगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें। तो देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा है, विद्यार्थी सुविधा पटल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर फिर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर इमेज के द्वारा देख पा रहे होंगे कि आपको एक ऐसा वेबसाइट देखने को मिलेगा। और देखिए इस लिंक पर क्लिक करते ही आप एक दूसरे पेज पर चले जाएंगे, वहाँ घोषणा पत्र पढ़कर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें।
इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर भरने के बाद चेक एंड वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कि आप यहां पर इमेज में देख रहे होंगे। आप देख रहे हैं यहां पर यूजर टाइप, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंट्री, मोबाइल नंबर और यहां पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है और यहां पर सबमिट का एक बटन दिखाई दे रहा है। आपको ये सब जानकारी फिल करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन, देखिए जो लिखा गया, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करना पड़ेगा आपको, जो हम आपको अभी बताए हैं। फॉर्म भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर दें, जो हम अभी आपको दस्तावेज के बारे में बताएं कि क्या क्या आपको दस्तावेज लगेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पर देखिए फॉर्म चेक कर, यानी आपको फॉर्म को चेक करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना आवेदन की स्थिति की जांच अगर करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले विद्यार्थी सुविधा पटल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जो कि हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और यहाँ पर देखिए इसके होम पेज पर ट्रैक गांव की बेटी प्रतिभा किरण विक्रमादित्य योजना एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे इमेज के द्वारा स्क्रीन पर। और देखिए यहां पर लिखा गया कि इस पेज पर आपको एप्लीकेंट आईडी, यानी जो आप फॉर्म को भरे होंगे आपको एक आईडी मिलेगा, आईडी मिला होगा यानी आपको नंबर मिला होगा। आपको उस आईडी को फिल करना है एप्लीकेंट आईडी में और एकेडमिक ईयर, आप जिस सत्र में पास हुए हैं वो आपको भरना है उसका। ये सब भरने के बाद शो माई एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने आवेदन फॉर्म की स्थिति दिखाई देगी जिसकी आप जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार आप सभी मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म की स्थिति भी जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये आपके राज्य के लिए नहीं है तो दोस्तों हम इस चैनल पर आपको ऐसे ही योजना, ऐसे ही फॉर्म, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको हम हमेशा अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।